स्टूडेंट्स, माय नेम इज विवेक और मकाउट की तरफ से निकल चुका है एक मेजर अपडेट फॉर ऑल द सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या एट सेमेस्टर में, सारे के इवन चल रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। स्ट्रिक्टनेस जो थी आगे सेमेस्टर में कैमरा के द्वारा बढ़ाई गई थी, अब जो है स्ट्रिक्टनेस को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 100 लेवल से। क्यों, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन अपडेट्स और वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब। चलिए समझते हैं मकाउट की जो नई नोटिस है उसके हिसाब से जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होती थी उनमें कुछ कॉलेजेस से ये भी न्यूज आया कि कॉलेज में बच्चे नहीं जाते फिर भी उनका नंबर जो है मिल जाता था। इसके अलावा कॉलेज में कैसे भी कुछ भी ज्यादा नंबर दे देते थे बच्चे ने कुछ नहीं लिखा तब भी, तो इसलिए जो है चेंज किया गया है। ऐसे पेपर में कुछ क्या लिखे नहीं लिखे उसको तो टीचर ही चेक करेगी, बट इसके अलावा दोस्तों जो उसके आंसर स्क्रिप्ट होंगे और जो है आप लोगों के जो अपने एग्जामिनेशन आपने जितने स्टूडेंट्स देने आए हैं, कोई लेट आया कोई, इससे नहीं चलेगा। एक स्पेसिफिक टाइम में जैसे एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी सारों बच्चों को एक जगह खड़ा करके एक फोटो लिया जाएगा और वो ग्रुप फोटो को भी अपलोड किया जाएगा मकाउट के साइट पे। जो भी एग्जामिनेशन, जो भी कॉलेज जिसको भी नंबर देना चाहती है वो ऐसा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा चेंज है। मैं तो 8 सेमेस्टर में हूँ, मेरी प्रैक्टिकल से ऐसी छुटकारा हो गई है, पर मैंने सारे एग्जामिनेशंस दिए। बट अब जो है आप लोगों में से कोई डिस्टेंस एजुकेशन कर रहा हो, कोई लेट से जाने की सोच रहा है, ये एग्जामिनेशन मिस करने की सोच रहा है, तो ध्यान रखें मकाउट में प्रैक्टिकल में फेल होने का ये मतलब होता है कि आप उसी साल को एक बार और रिपीट करेंगे। ध्यान रखें सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में ही रहेंगे, बैकलॉग का कोई केस नहीं होता, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकेंड सबसे बड़ा अपडेट आया है कि जो भी एग्जामिनेशंस पहले कोई भी इन्विजिलेटर को कॉलेज अटेंडेंस देने के लिए दे देती थी, ऐसा नहीं होगा। अब इन्विजिलेटर को जो है वो डिफाइन करेंगे, मकाउट डिफाइन करेंगे, ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों को एक ऐसा इन्विजिलेटर भी होगा जो कैमरा में अगर आप लोगों को मैल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ लिया तो वो सिर्फ आकर आप लोगों को डांट लगा सकता है, वो भी डिफाइन करेंगे। ऐसा कुछ लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप में से किसी को समझ में आया तो वो बता सकता है। इसके अलावा दोस्तों नंबर थर्ड में सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि आपके आंसर स्क्रिप्ट्स और आपके जो डिस्पैच बैग्स होंगे, मतलब जिनमें आप जाएंगे, वो भी जो है मकआउट दे देगी बहुत पहले, और आंसर स्क्रिप्ट्स में कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो इस चीज का भी जो है आपको ध्यान रखना है कि आपके आंसर स्क्रिप्ट जो है डायरेक्टली जाएंगे, कोई इसी तरीके का कुछ नहीं हो सकता। डिस्पैच बैग्स आएंगी, एग्जामिनेशन खत्म होते ही सारे बैग्स में जाएंगे और फिर वो मकआउट के पास जाएगी। एक बहुत बड़ा चेंज है और ये जो है स्ट्रिक्टनेस लेवल को और बताता है। मैल प्रैक्टिस करने की तो आशाएं आप भूल ही जाइए, मतलब समझ रहे हैं रिस्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं दोस्तों। आप लोग मकआउट में, आपको क्या लगता है कि मकआउट ये सब कुछ सही कर रही है या गलत? मुझे तो लगता है कि काफ़ी हद तक सही है, बहुत सारे बच्चे नहीं आते तभी तो ये चीज़ें को अपडेट किया जा रहा है, बट बहुत सारी जगहों पर ये लग सकता है कि बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। बट दोस्तों ये तो समय की बात है, हो सकता है 2023 के बाद इस चीज़ को लागू इसलिए किया गया है कि बच्चों की जो है कोविड में जो आदतें बिगड़ गई वो शायद ही सुधर जाएं। दोनों ही राय हो सकते हैं बच्चों के। आपकी क्या राय है मकआउट के लिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 17 तारीख को ये अपडेट आया, 19 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ और 20 तारीख से जो है ये लागू कर दी जाएगी। आप लोग को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग।